Upcoming Universe presents Five Elements of Nature। सभी पदार्थ पांच मूल तत्वों से बने हैं, पंच महाभूत जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अंतरिक्ष के गुण हैं। पांच तत्वों का ज्ञान प्रकृति के नियमों को समझने और अधिक स्वस्थ, शक्ति, ज्ञान और खुशी प्राप्त करने के लिए योग का उपयोग करने की अनुमति देते हैं। एयर वायु गैसों और तत्वों से बनी है जो मानव जाति के जीवन के लिए आवश्यक है। वायु के ना होने से पृथ्वी पर जीवन भी मुमकिन नहीं है। हवा में ऑक्सीजन सांस लेने और आग जलाने के लिए ज़रूरी है। यदि मनुष्य के मस्तिष्क को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो शरीर अपनी कुछ आवश्यक इंद्रियों को भी खो सकता है जो जीवन जीने के लिए आवश्यक है। अर्थ यानी पृथ्वी, पृथ्वी संतुलन को प्रदर्शित करती है। जब यह संतुलित अवस्था में होती है तो स्थिरता, शांति और सद्भाव की भावना को प्रेरित करती है। मानवीय गुणों में पृथ्वी बल, शक्ति, दृढ़ता, दृढ़ संकल्प और लक्ष्य की ओर निरंतर उन्नति प्रदान करती है। फायर यानी आग, आग प्रकृति का वह हिस्सा है जो पदार्थ की एक अवस्था को दूसरी अवस्था में बदल देता है। वास्तव में सूर्य अग्नि का स्रोत है जो पृथ्वी पर प्रकाश देता है। सूर्य की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर प्रकाश नहीं होगा। सूर्य से निकलने वाली अग्नि अन्य ग्रहों को भी ऊर्जा देती है। स्पेस यानी अंतरिक्ष, अंतरिक्ष ही एकमात्र ऐसा तत्व है जिसकी कोई सीमा नहीं है। जब अंतरिक्ष में गतिविधियां होती है तो केवल पृथ्वी ही प्रकाश, गर्मी, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र आदि प्राप्त करने में सक्षम होती है। ये सभी परिवर्तन मानव जीवन को भी प्रभावित करते हैं। वाटर यानी पानी, जीवित रहने के लिए पानी एक और आवश्यक कारक है। पृथ्वी पर बिजली उत्पन्न करने के लिए भी पानी का उपयोग किया जाता है। इसमें सफाई की क्षमता है और जो स्पष्टता, प्रवाह, पीढ़ी और निरंतरता को दर्शाता है। अगर पानी संतुलित है तो उसके पास जीवन की एक बड़ी तस्वीर है, जबकि अगर इसे असंतुलित किया जाए तो नए अवसर प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। जीवन में बढ़ने की इच्छा की कमी, मानसिक शांति की कमी और कमजोर प्रतिरक्षा के कारण नियमित स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ये सभी पांच तत्व पृथ्वी पर मानव जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं। इन पांच तत्वों के अभाव में जीवन, मानव जीवन या किसी भी प्रकार की जीवित वस्तु की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जल जीवन में संतोष प्रदान करता है, जबकि वायु शरीर में ऑक्सीजन के रूप में जलती है। अंतरिक्ष महत्वाकांक्षा जगाता है और पृथ्वी हमें जीवन में सहिष्णु होने के लिए मार्गदर्शन करती है। जब मानव शरीर में आग का स्तर बढ़ जाता है तो संतुलन बनाए रखने के लिए पानी कम हो जाता है और ऐसा ही अंतरिक्ष और वायु के साथ भी होता है। योग हमें इन तत्वों को शुद्ध करने और स्वास्थ्य को संतुलित करने और प्रत्येक तत्वों में निहित आंतरिक शक्तियों और क्षमताओं को प्रकट करने में मदद करता है। धन्यवाद।